धोनी को हमें देखने का मौका मिलेगा जल्द ही एक ट्रेनिंग कैंप में। तो क्या ये ट्रेनिंग कैंप और कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेट्स फाइंड आउट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। फिर से एक बार मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है स्पोर्टेबल एम्बेसडर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पे तरह तरह की बातें करते रहता हूँ। मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स भी है, बट जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल भी बंद है। तो अभी एक मतलब क्रिकेट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। जो कि मेरा यहाँ पे भाई नया है यार, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने ला करो इसके लिए। दोस्तों जैसे कि आपको सबको मालूम है, कोरोना के चलते हुए क्रिकेट का थोड़ा सा फ्यूचर थोड़ा सा मतलब अभी दिख नहीं रहा, बल बिल्कुल भी थोड़े से मतलब विंसी प्रीमियर लीग या फिर डार्विन क्रिकेट लीग ऐसे थोड़े से ऑर्गेनाइज हो रहे, बट एट बड़े लेवल पे जैसे कि IPL या फिर जैसे कि वर्ल्ड T20 पे भी थोड़ा सा संदेश जताया जा रहा है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब 3TCA क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज की है साउथ अफ्रीका ने, पर उसमें भी थोड़ा सा अभी संदेह आया है दोस्तों। तो दोस्तों चार अपडेट मैं यहाँ पे दूंगा क्रिकेट रिलेटेड, क्या है वो देखते हैं। तो अपडेट जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहना है। तो सबसे पहला अपडेट तो है वो मतलब 3TC क्रिकेट लीग के बारे में है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया था वो 27 जून को है और चालू होने वाला था, बट अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो मतलब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से एक अपडेट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर रहे हैं और शेड्यूल बिल्कुल भी अभी फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में उसके चल रहा है कि मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी है। मतलब एक टेंटेटिव डेट आई थी 27 जून, बट वो कोई फिक्स वगैरह नहीं था। जैसे कि अभी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी मतलब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कन्फर्म कर दिया गया है मतलब कि दोस्तों कि वो भी मतलब अभी कुछ शेड्यूल वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि कोरोना केसेस वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। दूसरी यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और सबकी फेवरेट अपडेट मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे कि सबके फेवरेट जो हमारे खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि वो कब वापसी करेंगे, वो कैसे वापसी करेंगे, क्या उनका करियर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भी एक अच्छी खबर है। तो मतलब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब MSK प्रसाद ने एक बड़ी अपडेट सामने दी है सबके। मतलब उन्होंने बोला है कि अभी एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स प्रैक्टिस करेंगे, वर्ल्ड कप के लिए वो प्रिपेयर करेंगे खुद को। तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी को भी बुलाया गया है दोस्तों। तो वहाँ पे अभी क्रिकेट फील्ड पे फाइनली धोनी को देखने को मौका मिलेगा हमें। जैसे कि आपको सबको मालूम है IPL भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई है और मतलब एग्जैक्ट शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। सब लोग बोल रहे हैं कि अब सितंबर अक्टूबर में होगा, बट अभी भी वो फिक्स नहीं है कहाँ होगा कैसे होगा। तो इसमें इसी के चलते हुए MSK प्रसाद के ये इस अपडेट की वजह से सब लोगों को सुकून मिला है कि महेंद्र सिंह धोनी को देखने का अभी मौका मिल सकता है हमें ट्रेनिंग कैंप में, और उनको जरूर बुलाया गया है दोस्तों। MSK प्रसाद ने भी कहा है उनका एक्सपीरियंस जो है वो बाकी क्रिकेटर्स को बाकी विकेट कीपर्स को भी फायदेमंद रहेगा। तो इसके लिए और मतलब खुद महेंद्र सिंह धोनी को प्रैक्टिस करने के लिए अभी स्पेस मिलेगी, तो उसके लिए भी अगले मंथ से कैंप चालू हो रहा है ट्रेनिंग कैंप वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे आपको धोनी को देखने का मौका मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा एक अपडेट है मेरे हिसाब से और मुझे पता है कि आपको भी थोड़ा सा सुकून मिला होगा इससे। तो थर्ड अपडेट ऐसा है दोस्तों कि सौरभ गांगुली हमारे जो मतलब BCCI के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने मतलब बंगाल एक्टर्स को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए 10 लाख रुपये दे दिए गए। मतलब उन्होंने तो बहुत ही अच्छी अपडेट है ये। तो अच्छा अपडेट ये है दोस्तों कि मतलब बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मतलब कोरोना हो चुका है दोस्तों। तो ये मतलब थोड़ी सी बुरी खबर है। फिर मतलब हमारे और बांग्लादेश के बीच माहौल गर्मा गर्मी का होता है जब मैचेस होते हैं तब, बट एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बींग अगर बात की जाए तो मतलब मुशरफ मुर्तजा भी उसमें शामिल है, और मतलब थोड़ा सा अभी अगर उसके हेल्थ के रिलेटेड बात की जाए तो अभी वो रिकवर हो चुके हैं। मतलब थोड़ा सा अभी क्वारंटाइन में 14 डेज बाद में, तो बिल्कुल भी अभी टेंशन लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे मतलब प्लेयर्स शामिल थे, 3-4 प्लेयर्स शामिल थे कोरोना मतलब जिनको हुआ था बांग्लादेश को, तो बिल्कुल भी बांग्लादेश प्लेयर को। तो मतलब एक थोड़ा सा कोरोना ने बहुत ही हड़बड़ाहट मचा दी है पूरे लोगों के अंदर। तो यार आपके अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाइए, मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा घर से बाहर ना जाइए। और मतलब मैं देता रहूँगा आपको अपडेट जो भी है, तो यहाँ से घर पे बैठे ही मेरे, तो बिल्कुल भी मेरे चैनल को देखते रहिए आखिर तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँ इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँ तब। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अपडेट के साथ। बाय बाय।